चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी के साथ आज हम पढ़ेंगे होंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास, कलचुलियों का शासन जिसके बारे में। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 6, है ना। इसके पहले 5 वीडियो डाल चुका हूँ मैं कलचुरी काल का, उसको आप लोग देखना, उसमें आप लोग उसको देखते जाइए लाइन से। पहले उन लोग को, पाँचों को देखिए, फिर इसके बाद इन लोग को इसको देखना। तो 16वां राज सिंह था, एक राज सिंह था, ये आपका किसका पुत्र था, ये आपका ये तखत सिंह का पुत्र था। इसके पिता पिता कौन थे, तखत सिंह, ये नियोग पुत्र था, ये नियोग करा के इसको पुत्र को जन्म हुआ था राज सिंह का। ये 1600 से 1712 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखना। ठीक है, अब निर्माण कार्य, इन लोग का निर्माण कार्य उस टाइम में, निर्माण कार्य क्या, निर्माण कार्य इनके द्वारा एक बादल महल बना था, इसने बनवाया था, एक निर्माण कार्य में एक बादल महल बनवाया था। कहाँ बनवाया था, ये आपका रतनपुर में, रतनपुर के एक राजपुर है, क्या है राजपुर, ये रतनपुर। निर्माण कार्य क्या करवाया था आपका, बादल महल निर्माण करवाया, कहाँ है राजपुर, राजपुर रतनपुर में, इसको याद रखना। और जो नगर बसाया था, इसने नगर बसाया, एक नगर बसाया उसमें से एक है राजपुर, जो वर्तमान में अभी जूना शहर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जूना शहर, जूना शहर बोला जाता है, ये रतनपुर के समीप है, रतनपुर क्या है, समीप ये क्या है, स्थित है, इसको याद रखना। राजपुर जूना शहर रतनपुर के समीप स्थित है, इसको याद रखना। बादल महल निर्माण कार्य इसका उसी टाइमिंग हुआ, किसके टाइमिंग में हुआ, तखत सिंह के टाइमिंग में, सॉरी तखत सिंह उसके पिता थे राज सिंह का, बादल महल इसी ने बनवाया राज सिंह ने, राजपुर में, राजपुर कहाँ है, रतनपुर में। नगर कहाँ बसाया इसने, राजपुर को बसाया, जूना शहर जिसको बोला जाता, एक ये रतनपुर के समीप ही है, इसको याद रखना। जो बिलासपुर में है उसको नहीं बोल रहा हूँ ना, जो जूना है वो जूना बिलासपुर वो बोलते हैं, वो अलग है। इसके दरबारी कोई थे गोपाल मिश्र, सोचो इसी के फेमस है ये गोपाल मिश्र, इन्हीं के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। रचना इसका था खूब तमाशा, रचना था क्या इसका खूब तमाशा, इसको याद रखना, दरबारी कवि था। अब विशेष रूप से इसमें याद रखना, रचना क्या था इसका खूब तमाशा, इसको याद रखना। ठीक है, इसका पुत्र था एक विश्वनाथ सिंह, है ना, इसका एक पुत्र था एक राज सिंह का, विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह इसका एक पुत्र था, इसको याद रखना। तो इस विश्वनाथ सिंह था, इसका पुत्र था, तो पिताजी के नियोग प्रथा के से जन्म होने की जानकारी मिलने का, पिताजी के नियोग प्रथा से भी क्या बोल रहा हूँ, जानकारी मिलने पर ये क्या हो गया, इसने आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, इसको याद रखना। इसका पुत्र जो है विश्वनाथ सिंह था, तो अपने इसके पिता ने क्या किया था, नियोग पत्र के द्वारा जन्म लिए थे, उसको जानकारी मिली फिर, हाँ, तो बाद में आत्मग्लानि के कारण ये आत्महत्या कर लिया, कौन, यही, क्या नाम है इसका, विश्वनाथ सिंह। ठीक है, फिर राज सिंह ने क्या किया, रायपुर कलचुरी जो राजकुमार था, रायपुर कलचुरी राजकुमार, कलचुरी राजकुमार था मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था उस टाइमिंग में, राज सिंह ने क्या किया, जो रायपुर कलचुरी, रायपुर का जो कलचुरी राजकुमार था मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था, लेकिन क्या किया, राज सिंह की मृत्यु हो गई, अभी इसके थोड़े देर बाद, मतलब थोड़ा टाइम बाद राज सिंह की मृत्यु हो जाएगी 1712 में। तो मृत्यु के समय क्या था, मोहन सिंह जो है शिकार करने चले जाए, मतलब नहीं रहता है, शिकार करने चला गया रहता है। तो राज सिंह के फिर चाचा सरदार सिंह, जो मैं इससे पहले बताया था, तीन भाई थे उन लोग, जो तखत सिंह के तीन भाई थे, सरदार सिंह, भगत सिंह और रघुनाथ सिंह, तो उस तीन भाई में से सरदार सिंह फिर क्या बना, शासक बना इसका, क्या बोल रहा हूँ जी, इसमें का देखो,
राज सिंह जब मृत्यु हुई ना तो राजगद्दी के लिए अब उत्तराधिकार हो गए, ये मृत्यु हो गई। अब इसने बोला था कि भाई मोहन सिंह को हम देंगे अगला उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन मोहन सिंह उस टाइम में नहीं था, क्या नहीं था, स्वीकार करने पर गया था ये मोहन सिंह। तो इसका राजगद्दी किसको मिल गया, सरदार सिंह, इसके चाचा थे। तखत सिंह के तीन भाई थे ना और चौथा वो खुद था, चार भाई थे मतलब उन्हें खुद, सरदार सिंह, बख्त सिंह और रघुनाथ सिंह। तो सरदार सिंह जो सबसे बड़े थे शायद मेरे ख्याल से, उनको शासन दिया गया, इसको याद रखना। अब उसने चला 20 साल लगभग चला सरदार सिंह, अब गुस्सा तो आएगा ही। सरदार सिंह ने सोचो 20 साल चलाया, 1712 से लेकर 32 तक, 20 साल ऐसी थोड़ी होता है जी, 20 साल वो देखा होगा आदमी बूढ़ा जाएगा अपने में। तो अगला शासक है सरदार सिंह को याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। अब सरदार सिंह क्या राज सिंह के चाचा थे, राज सिंह के क्या थे, चाचा थे, इसको याद रखना। सरदार सिंह क्या थे, सरदार सिंह क्या थे जी, राज सिंह के चाचा थे, इसको याद रखना, ठीक है, राज सिंह के चाचा थे। अब इनकी मृत्यु के बाद ये रतनपुर के सत्ता की बागडोर इन लोग संभाली, है ना। अब इसका भी पुत्र उत्तर नहीं था तो छोटा भाई था रघुनाथ सिंह, तो उसी को गद्दी दे दिया गया और उसकी उम्र 60 वर्ष थी। एक था इसका भाई, इसका भी क्या, सरदार सिंह का क्या नहीं था, पुत्र नहीं था, इसका पुत्र नहीं था। अब इसका भाई एक था राज सिंह, मतलब सॉरी रघुनाथ सिंह। अब अगला शासन जो इसके बाद 1712 से 1732 के रघुनाथ सिंह, मतलब उनका शासन चलेगा 1732 से लेकर 1745 ईस्वी तक। अब इनको दे दिया गया कि इनको इनका शासन है ये रघुनाथ सिंह का। तो इनका शासन देखिए ये अलग है, ये अगला शासक है, ये सरदार सिंह का बताया, ये अलग है, ये रघुनाथ सिंह, अभी इसका पढ़ रहे हैं हम लोग रघुनाथ सिंह के बारे में, ठीक है। 1732 से 1745 ईस्वी तक, इसको याद रखना, शासन काल इसका क्या है, शासन काल। तो ये तो हो गया, ठीक है जी, समझ गए। सरदार सिंह निसंतान थे इसलिए इसको मिला मरना सन हो। तो 60 वर्ष की उम्र में जो ये तो क्या था, 60 वर्ष का था, इसकी मृत्यु जब हुई ना तो फिर उसके बाद उसका भाई मिला रघुनाथ सिंह को, तो रघुनाथ सिंह को मिला ना, तो ये आपका 60 वर्ष का था, ये बताया इसमें 60 वर्ष में वो राजा बना, काफ़ी उम्र दराज था ये। फिर इन्हीं के टाइमिंग में क्या हुआ, मराठों का आक्रमण हुआ, मराठों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ, आक्रमण प्रारंभ हुआ। तो मराठों में कौन थे इसके जो टाइमिंग में जो आक्रमण करने वाले, एक भोसला शासक थे, भोसला शासक कौन थे, रघुजी प्रथम। 1741 में, ये देखो बताता हूँ, 1741 में इनका जो शासन काल था 45 तक था, तो 41 में, 1741 ईस्वी में भोसला का शासक एक रघुजी तिथि था, सॉरी रघुजी प्रथम था, इसका नाम ही प्रथम था, है ना। इसके सेनापति था एक, कौन था, भास्कर पंत, भास्कर पंत कौन था भाई, सेनापति था। तो भास्कर पंत क्या था, सेनापति था, रघुजी प्रथम क्या थे, रघुजी प्रथम क्या थे, ये भोसला शासक थे, ये कौन था, भोसला का शासक था, भोसला का शासक था, और उसका वो सेनापति था, ये भास्कर पंत सेनापति था, सेनापति था। अब ये इसने क्या किया, उड़ीसा अभियान के दौरान क्या किया, उड़ीसा में लड़ने जा रहा था ये, दौड़ने मतलब वहाँ लड़ाई उड़ाई झगड़ा करने उसको भेजा था, तो बीच रास्ते में ये पड़ा रतनपुर, तो यहाँ दौरान यहाँ आक्रमण कर दिया, कहाँ आक्रमण कर दिया, यहाँ हम लोग रतनपुर में।
तो मराठा सेना ने क्या किया, तोप से महल के जो जो एक हिस्सा था उसको नष्ट कर दिया, रतनपुर के महल को क्या कर दिया, तोप से क्या किया उन लोगों ने, नष्ट कर दिया। अब फिर रघुनाथ सिंह की रानियों ने क्या किया, सफ़ेद ध्वज फहरा के शांति मतलब संधि उन्धि करवा दी, क्योंकि उम्र काफ़ी हो गया था, 60 वर्ष तक खुद हो गया था, 60 वर्षीय भाई को उत्तराधिकारी बनाया। अब इसमें जोड़ोगे कितना, देखो कितना बना हो, 1732 से 1745 अंतर कितना आ रहा है, कितना है, 3 और 1, 13 साल लगभग शासन किए, है ना, तो 13 साल इसमें जोड़ दीजिए, 60 में 13 तो 73 73 साल में लगभग वो क्या हुआ, उसमें 73 साल की उम्र हो गए थे। अब वो क्या, वो लड़ाई झगड़ा करेंगे बोले, तो सोचे भैया उनके भी पत्नियों ने क्या किया, पत्नियों उतनी ने क्या किया, उनका संधि कर ली, मतलब सफ़ेद झंडा मतलब झंडा फहराना चालू कर दिया शांति के, मतलब शांति व्यवस्था के लिए, संधि करने के लिए, ठीक है, संधि की घोषणा कर दी सफ़ेद ध्वज फहराकर। और रघुनाथ सिंह का एक पुत्र था, इसी का पुत्र था रघुनाथ, रघु जी, तो ये भोसला शासक था, ये देखो नाम अजीब अजीब एक ही के टाइप का है, रघु जी और रघुनाथ जी, फिर राज सिंह, नाम एक ही के टाइप का है, तो ये रघुनाथ है, ये इसमें भी रघु जुड़ा है, जी जोड़ दिया तो भोसला है, नाथ जुड़ गया तो आपका इसमें है कलचुरी का है। तो ये रघुनाथ सिंह जो क्या है, वो इसका पुत्र, ये मतलब मृत्यु हुई, पुत्र की क्या मृत्यु हुई, तो ये अत्यंत क्या हुआ, दुखी हुआ, क्या हुआ, अत्यंत दुखी हुआ, इसको याद रखना, क्या हुआ, अत्यंत दुखी हुआ, इसी कारण जो राजकीय कार्यों में क्या ध्यान नहीं, उन लोग मतलब ये राजपाट में ज्यादा उसका ध्यान नहीं लगा। मराठा सेना का जब आक्रमण हुआ ना, जब मराठा सेना का, तो इसने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया और सरलता से रतनपुर आपका मराठों के कब्जे में आ गया, क्योंकि 73 साल की उम्र में वो सोचो क्या वो लड़ेगा, फिर वो उतना दमखम नहीं था, है ना, अब मराठों के सामने ये हम लोग का ये उतना क्या नहीं था, संपत्ति भी नहीं था कि लड़ने झगड़ने के लिए, और उसकी जो उसका बेटा भी उसकी मतलब मृत्यु हो चुकी है, तो और कहाँ से लड़ता, वो बेटा उठा रहता तो वही बोल देता फिर लड़ने के लिए, जा भाई उसको हरा क्या, क्या कि बाकी युद्ध को देखो तो कलचुरी लोग के बहुत लोग को हरवा चुके हैं, है ना, यही बस नहीं है, ये भी मतलब ऐसा तो नहीं जाता ही छोड़, लेकिन अब उदासीनता के कारण अब बिना युद्ध के इसने रतनपुर साम्राज्य मिल गया उसने। और वही जो इसको हयवंशी भी बोला जाता है कलचुरी को ही, तो ये क्या हुआ, अंतिम मतलब मराठा साम्राज्य में मिल गया। अब अंतिम रूप से जो कलचुरियों का स्वतंत्र शासक था, किसको बोलोगे आप, स्वतंत्र शासक रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह क्या थे, अंतिम अंतिम कलचुरी का स्वतंत्र था, स्वतंत्र शासक था ये कलचुरी, स्वतंत्र शासक अंतिम, इसको याद रखना, और मराठों के अधीन प्रथम था, और प्रथम भी था, पहली बार पहला व्यक्ति था जो मराठों के अधीन में आया था, और अंतिम भी था कि अब इसके बाद कोई शासन मतलब क्या था, मतलब स्वतंत्र नहीं रहे इसके बाद, क्योंकि 13 साल लगभग तो शासन कर ही लिया था स्वतंत्र रूप से, उसके बाद फिर मराठों के अधीन आ गया, फिर इसके बाद 19वां नंबर के मोहन सिंह आए, मोहन सिंह ने पूरी तरीके से मराठों के अधीन में था, ये किसके, मराठों के अधीन में था, इसको याद रखना। इसका जो शासन काल था, इसका शासन काल बता देते हैं, ये 1745 से 1757 तक लगभग 10 12 13 साल इसको भी मिला शासन करने के लिए, 12 साल इसको, ये भी क्या किया, 12 साल क्या किया, शासन किया, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, 12 साल ये क्या किया, शासन किया। बारह साल क्या किया इसने, शासन किया, इसको याद रखना। अब इसमें जो मराठों के जो अंतिम अधीन जो अंतिम कलचुरी शासक थे, मराठों के अधीन जो अंतिम कलचुरी शासक थे कौन थे, यही थे भाई, और कौन थे, क्योंकि कलचुरियों की समाप्ति का षड्यंत्र इसी ने रचा था, और मराठों को जो ना आक्रमण करने गया था ये भोसला, उतने दिन से कोई नहीं कर रहा था,
यही दिमाग लगा था इसको, राजगद्दी के पहुंच सकता मोहन सिंह, यही बोला था इसको कि रघुनाथ सिंह को चलो मतलब हटाते हैं बोल के दिमाग लगा था, तभी तो इसको देखो इसी को शासन के लिए गद्दी पर बैठा दिया, और उसके बाद ये इसके हाथ में चले गए, भास्कर पांडे मराठों के जो उसके हाथ में चल गए, सेनापति था उसको मतलब ऑर्डर दिया था जा भैया बोलो कहिए। अब सेनापति भास्कर पंत के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा भास्कर पंत के बारे में इसमें बता देता हूँ, ये सेनापति था भोसला शासक का। इसके बाद हम लोग कलचुरी के रायपुर के कलचुरी शासक के बारे में पढ़ेंगे, उसमें तो मराठों के जो भोसला शासक कौन था, रघुजी प्रथम शासक रघुजी था, सेनापति कौन था भास्कर पंत। बंगाल विजय अभियान के दौरान क्या हुआ, 1741 में क्या किया, कलचुरी शासक वही मैं जो बताया मैं, रघुनाथ सिंह के समय में ये क्या किया आक्रमण किया है ना, और रघुनाथ सिंह से क्या किया भास्कर पंत ने, क्या पूरा खजाना लूटकर उस पर क्या 1 लाख का जुर्माना लगा दिया, उसके पूरा खजाना को लूट लिया किसका, रघुनाथ सिंह को। अब वो सरेंडर हो गया भाई, अब खजाना नहीं है तो क्या किससे लड़ेगा। फिर रतनपुर से जाते वक्त उसने एक कल्याणगिरी गोसाई को अपना क्या किया, उसने मराठा प्रतिनिधि नियुक्त किया, मुख्तियार जिसको बोलते हैं, कल्याणगिरी नाम का गोसाई, कल्याणगिरी गोसाई, कल्याणगिरी गोसाई, इसको क्या घोषित किया, क्या नाम किया मराठा प्रतिनिधि उसने नियुक्त किया, मराठा प्रतिनिधि क्या किया नियुक्त किया, इसको याद रखना। मराठा प्रतिनिधि क्या कि इसने इसने नियुक्त किया, इसको याद रखनी। इसमें भास्कर पंत की मृत्यु इसको फिर ये हुआ 1744 से 1745 में बंगाल अभियान से जब वापस लौटे सब, इसने क्या किया ये तो जाते जाते मतलब किया मतलब है ना, 1741 में धन उन लूट के ना, वो मराठा प्रतिनिधि जिसको नियुक्त किया था उसको धरा उड़ा के भेज दिया, जा रहे भैया तो उसको छोड़ छाड़ के आ जाना बोल के, अब ये चल दिया बंगाल अभियान से लड़ने चल दिया। तो बंगाल अभियान से वापस जब लौट रहा था ना 1744 से 1745 के आसपास में, कौन लौट रहा था भास्कर पंत लौट रहा था, तो अली वर्दी खां एक नाम का बंगाल का शासक था, तो धोखे से उसका मनकुटा नामक जगह में हत्या कर दी, सेनापति था इसको भास्कर पंत का क्या किया हत्या की मनकुटा में। मनकुटा में क्या की हत्या कर दी, इसको याद रखना। मनकुटा में जाकर क्या कर दी इसने, हत्या कर दी। ठीक है इसको याद रखना। अली वर्दी खां था बंगाल का शासक, अली वर्दी और किसके द्वारा किया था, अली वर्दी खां, कौन था अली वर्दी खां। चलिए ठीक है तो ये तो हो गया आपका, मैं इसका टॉपिक बताते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रायपुर के कलचुरी शासक के बारे में, क्या बोल रहा हूँ रायपुर के कलचुरी शासक के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं इसी में बताऊँ कि अगला वीडियो इसी में, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बताना पड़ेगा मेरे को, फिर अलग वीडियो बनेगा, फिर चलो अलग वीडियो बनाते हैं, थोड़ा आपको पता रहेगा कि ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।